वेलकम टू माय चैनल एमजेड टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो V23 और V23 प्रो के 10 ऐसे अमेजिंग फीचर्स के बारे में, जिसकी मदद से आप इस फोन को बड़े ही अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर जरूर करें। सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो वो आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। उसको ऑन करने के लिए हमें जाना है सिंपली सेटिंग में, उसके बाद जाना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको उसको कस्टमाइज़ करना है तो आपको कस्टमाइजेशन बहुत सारा मिलेगा इसमें, आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। क्लासिक स्टाइल रखना है, पर्सनलाइज स्टाइल रखना है, आप जो भी रखना चाहते हो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, दूसरे फीचर की बात करें तो उसका नाम है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। उसे ऑन करने के लिए हमें सिंपली जाना है सेटिंग में, नीचे की साइड स्क्रॉल करते हुए जाना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में हमें सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको सिर्फ ऑन करना है। अब अगर जनरली मान लो आपके फ़ोन में बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं जिसे आप यहाँ से क्लियर कर देते हो, पर इस फीचर की मदद से आप क्लियर की गई नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो उसका नाम है इजी टच। उसे ऑन करने के लिए सिंपली हमें जाना है सेटिंग में, नीचे की साइड स्क्रॉल करते हुए हमें जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे हमें मिलेगा इजी टच, इसे ऑन करते ही एक छोटा सा बॉल आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अंदर आपको बहुत सारी शॉर्टकट्स मिलेंगे, नीचे आप एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो। अब ये सारे फ़ोन में ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है, बट इस फ़ोन में उसके इस चीज़ की स्क्रीन को, मतलब ये जो बॉल दिख रहा है इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मान लो आप एस्ट्रोनॉट वाली थीम रख सकते हो, जैसे ही मैं इसे रख के अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा एस्ट्रोनॉट जैसा सिम्बॉल आ जाएगा। बहुत सारी वैसी दूसरी भी कस्टमाइजेशन इसमें दी गई है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। उसे ऑन करने के लिए सिंपली हमें जाना है सेटिंग में, नीचे की साइड स्क्रॉल करते हुए हमें जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे हमें मिलेगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। जनरली अगर आप अपने फ़ोन के डायरेक्ट सिम प्रोवाइडर से अगर वीडियो कॉल करते हो, फिर भी ये फीचर वहाँ पे भी काम करेगा, और अगर थर्ड पार्टी ऐप में अगर आपको वीडियो कॉल करना है तो वहाँ पे भी ये काम करेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है SMS के रिगार्डिंग। जनरली क्या होता है कि अगर आपको किसी को कुछ पर्टिकुलर टाइम पे मैसेज करना है तो उसके लिए भी इसमें एक फीचर दिया है। जनरली आपको जाना है SMS में, यहाँ पे अगर मान लो आपको जिसको भी मैसेज करना है, मैं जनरली यही नंबर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने हाई लिखा, अब इसको सेंड वाला जो ऑप्शन है उसको टैप करके रखोगे तो लेटर टुडे है, मतलब अलग अलग टाइम दिए हुए हैं। अगर आपको टाइम डेट अगर सेट करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो, तो उस वक्त पे ये ऑटोमेटिकली वो SMS उसे सेंड कर देगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट। उसे ऑन करने के लिए हमें जाना है सेटिंग में, नीचे की साइड स्क्रॉल करते हुए जाना है डायनामिक इफेक्ट में। यहाँ पे हमें मिलेगा एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, ये जनरली आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पे भी कर सकते हो। इसको आप इनकमिंग कॉल के लिए भी कर सकते हो और नोटिफिकेशन के लिए भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन के अंदर अगर आपको सिलेक्टेड ऐप में करना है तो भी, ये जनरली साइड में लाइट होती है, इसे आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, जो आपको रखना है आप अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है होम स्क्रीन स्टाइल। उसे चेंज करने के लिए हमें जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे हमें मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, उस पर टैप करना है। यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग आएगा, यहाँ से आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अगर आपने स्टैंडर्ड स्टाइल रखा हुआ है तो सारी ऐप आपको होम स्क्रीन पे ही मिलेगी, नीचे की साइड से कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप होम स्क्रीन सेटिंग में जाके यहाँ से ड्रॉ स्टाइल भी कर सकते हो। ड्रॉ स्टाइल के अंदर आपको सारी एप्लीकेशन नीचे से देखने को मिलेगी। और अगर दोस्तों आपको चार्जिंग एनिमेशन, फिंगरप्रिंट एनिमेशन अगर चेंज करना है तो आपको जाना है सेटिंग में, डायनामिक इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे आप चार्जिंग का एनिमेशन चेंज कर सकते हो, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन का एनिमेशन चेंज कर सकते हो। अगर आप चार्जर अटैच करते हो तो क्या एनिमेशन आना चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, एनिमेशन के बारे में यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन दिए हुए हैं।
तो दोस्तों इस फ़ोन में एक और अच्छा फीचर्स दिया है जिसका नाम है हाइड ऐप्स। अब उसे ऑन करने के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग में जाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको जो भी आपकी मर्जी का पासवर्ड सेट करना हो आप सेट कर दीजिए, या सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए, यहाँ पे डन कर दीजिए। यहाँ पे आएगा ऐप हाइड ऐप, इस पर टैप कीजिए। आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से हाइड कर सकते हो। अब ये हाइड किया हुआ एप्लीकेशन को आपको कैसे देखना है तो वापस से इस सेटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। मेन स्क्रीन पे टू फिंगर अप करोगे तो आपको पैटर्न पूछेगा, जो आपने पासवर्ड रखा होगा वो पूछेगा, वो यहाँ से आप अपनी हाइड ऐप्स को देख सकते हो। आप फिर से आपको करके बता रहा हूँ, टू फिंगर अप कीजिए, आपका पासवर्ड डालिए और आप अपनी हिडन एप्लीकेशन देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।